आप लोगों ने मुस्लिम धर्म में तीन तलाक के बारे में जरूर सुना होगा, और आप लोग अगर न्यूज़पेपरों से जुड़े रहते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कहीं भी बैठा हुआ है, उसे किसी बात से उन दोनों में अनबन हुई, पति पत्नी में, या तो उसने जाके डायरेक्ट बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, या फिर डायरेक्ट SMS से मोबाइल के जरिए SMS कर देता है। तो आप देखते थे कि उन दोनों में एक तरह से अलग हो जाते थे वो लोग, उनका जो रिश्ता रहता था वो टूट जाता था। और ये देखिए, इस तरह की जो बुराई थी, सामाजिक बुराई थी, इसे कई इस्लामिक देश भी खत्म कर चुके हैं। यहां तक कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, यहां भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन भारत में आपने देखा होगा कि 1 अगस्त 2019 को जो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक नामक जो सामाजिक बुराई थी, इससे मुक्ति मिल गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी देखिए, आप लोग डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियम कानून का पालन आप लोगों को करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी भी तरह से हैं, आपको गुस्सा आया और आप लोगों ने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो अब कुछ जुर्माना भी लगेगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग 3 तलाक के बारे में देख लेते हैं। एक अधिनियम आया था 2019 में, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि समानता का अधिकार आपको मिला हुआ है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रीलिम्स में भी बन जाते हैं, फिर चाहे वो स्टेट PCS हो या आपका सिविल सर्विस हो, और आप देखेंगे वनडे एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोग जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या फिर आप लोग निबंध लिख रहे होंगे, आप देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति पर निबंध हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसमें आप लोग इसे भी सुधार की बात हो जब, तो इन्हें भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जब टॉपिक चर्चा में रहते हैं काफी, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे वनडे एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बन जाएगा कि जो मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक की जो सामाजिक बुराई थी, इसे कब खत्म किया गया था। तो आप लोग बता देना कि 1 अगस्त 2019 को। अब बात आती है कि आखिर ये 3 तलाक का मामला क्या है। तो जिसे आप लोग ट्रिपल तलाक के रूप में भी जानते हैं, और जब ये खत्म किया गया था तो आपने देखा होगा देश भर में बड़ा बवाल मचा हुआ था। और याद रखिए, इस तरह की बुराई अगर किसी भी धर्म में होती है तो मुझे लगता है कि उस धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए, धर्म को खत्म कर देना चाहिए अपनी तरफ से इस तरह की बुराई। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हिंदू धर्म में इस तरह की कोई बुराई है तो हिंदू धर्म को इस बुराई को हटा देनी चाहिए अपने धर्म से, मेरा ऐसा मानना है। अब आप देखिए सही है या गलत है, आप लोग किस तरह से सोचते हैं, ये आप सोचते रहिए। ट्रिपल तलाक मुख्य रूप से हनफी इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ के बाद भारत के मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक प्रथा है, और इस प्रथा के तहत एक मुस्लिम पुरुष केवल 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, उससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन महिलाएं 3 तलाक का उच्चारण नहीं कर सकती हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आपको समानता का अधिकार मिला हुआ है, आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आप देखिए कि केवल पुरुष के पास ही अधिकार है। क्या केवल पुरुष के पास ही अधिकार था? महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थी। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि भेदभाव था। और शरिया अधिनियम 1937 के तहत तलाक लेने के लिए अदालत जाने की आवश्यकता होती है। जो शरिया अधिनियम 1937 था, अगर आप लोग तलाक लेते हैं तो इसके लिए आपको अदालत जाने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अधिकतर केस में आप लोग ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अधिकतर केस में आप देखते थे कि वो घर से ही एक तरह से निपटारा कर देते थे और एक तरह से अलग हो जाते थे। 3 तलाक को बात करें तो वैसे भी आपको बता चुका हूं कि जो इस्लामिक स्टेट हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनके सहित कई देशों ने खत्म कर दिया है इस कानून को। इस तरह की जो भी प्रथा थी आपकी,
या जो भी नियम कानून थे एक तरह से आपके, उन्हें खत्म कर दिया गया है। और हमारे देश में भी आपने देखा है कि जो मुस्लिम महिला के प्रावधान विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 आया हुआ था, इसके तहत हमें हमारे यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। तो इन्हें भी देख लीजिए इसमें क्या क्या कहा गया है। अधिनियम कहता है कि लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तलाक की सभी घोषणाओं को अमान्य अर्थात कानून में लागू नहीं करने योग्य अवैध बनाता है। इसका सीधा सा कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई लिखित रूप में तलाक लेता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर SMS के जरिए या ईमेल के जरिए या फिर आप देखिए इस तरह का कोई और माध्यम हो, अगर उसके तहत तलाक लेता है तो ये आमान ये तलाक नहीं माना जाएगा, ये अवैध माना जाएगा। ठीक है, अब आपको अदालत के जरिए ही एक तरह से डिवोर्स या तलाक मिल सकता है। यह तलाक को एक संज्ञेय अपराध की घोषणा करता है, यानी कि फिर भी अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति करता है तो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। और संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है? बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरह का जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसकी गिरफ्तारी बिना वारंट के हो सकती है। अभी आप जानते हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार करना होता है तो वारंट की जरूरत होती है, लेकिन इस तरह के मामले में वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ST/ST अधिनियम एक्ट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें भी यही प्रावधान रखा गया है कि अगर आप देखिए वहां कोई उसके तहत अपराध करता है तो वो भी संज्ञेय अपराध माना जाता है। केवल अगर अपराध से संबंधित जानकारी एक विवाहित महिला द्वारा दी गई है जिसके खिलाफ तलाक घोषित किया गया है, जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। आप अदालत के जरिए अगर तलाक लेते हैं तो वो अलग मामला हो जाता है। अदालत क्या कहती है क्या नहीं करती है उसकी बात अलग होती है। ये नियम आने के बाद भी अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये काम करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, और साथ में ही आर्थिक जुर्माना भी भरना होगा, कुछ जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। और मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है और महिला को सुनने के बाद ही जमानत दी जा सकती है जिसके खिलाफ तलाक सुनाया गया है। अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट है तो जमानत देने के लिए उचित आधार है, यानी कि जो आरोपी बनाया गया है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसे जमानत देने लायक है तो वो दे सकता है, लेकिन उससे पहले उस महिला की कहानी सुननी होगी, उस महिला को सुनना होगा जिसे तलाक दिया गया था। और याद रखिए महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है। जिसके खिलाफ तलाक घोषित किया गया है अगर दोनों में समझौता हो जाता है तो मजिस्ट्रेट इसे समझौता भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने तलाक दिया है इस तरह इस प्रक्रिया के तहत कि उसने आप देखिए कि डायरेक्ट फोन के जरिए मैसेज कर दिया है और बाद में उसे पछतावा होता है, वो महिला तैयार हो जाती है तो वो उन दोनों में समझौता भी हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक मुस्लिम महिला के किस जिसके खिलाफ तलाक घोषित हुआ है अपने पति से अपने लिए और अपने आश्रित बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता लेने की हकदार है। इसका सीधा सा मतलब कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मान लीजिए किसी मुस्लिम को इस तरह से तलाक दिया गया है, उसके एक दो बच्चे हैं, तो आप देखिए उनकी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो पति को उसके हस्बैंड को अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा भी देना होगा। और इस तरह के मामले कई आप लोगों ने देखा है, डिवोर्स लिया जाता है तब भी आप देखते हैं कि कुछ पैसा देते हैं अगर महिला काम नहीं कर रही हो, और इस तरह से आपके कुछ प्रावधान रखे जाते हैं कि उस महिला की आप देखिए कि जिंदगी चलेगी आगे, उसका भी तो खर्च रहेगा तो उसकी पूर्ति की जा सके। अब आप लोग संवैधानिक प्रावधान को भी देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपका क्वेश्चंस लिखने के लिए आएगा या आप निबंध में लिखेंगे
यहाँ, या फिर आप लोग महिला समानता की बात करेंगे तो वहाँ आप लोग संविधान का भी हवाला दे सकते हैं कि देखिए संविधान में भी सभी लोगों को सुरक्षा मिली हुई है, समानता की बात की गई है। इसमें आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें आप देखते हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसमें एक अधिकार आपका है समानता के अधिकार, और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि कोई भेदभाव ऐसे में भी नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि उसमें मुस्लिम तलाक जिस तरह से देते थे, उसमें महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे, तो एक तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ ना। लेकिन आप देखेंगे अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इस तरह के भेदभाव को रोकने की बात करता है। और आप सभी जानते हैं कि अभी कि आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इस आर्टिकल को भी याद रखिए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यहां भी समानता की ही बात की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत की बात करता है। तो यह है आपका समानता के अधिकार की बात। और आपको मालूम होना चाहिए कि मिस्र पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1929 में 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त कर दिया था। आप 1929 की समझ रहे हैं, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है कि पहला मुस्लिम राष्ट्र कौन सा था जिसने ये 3 तलाक जो हुआ करता था इसे समाप्त किया था। तो याद रखिए मिस्र है, 1929 की बात है। और आप देखिए कि हमने कब खत्म किया इसे, 2019 में जाके, यानी कि हम लोग इतने पीछे चल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 1956 में और बांग्लादेश ने 1972 में इस सामाजिक बुराई को समाप्त कर दिया था। हमारे पड़ोसी भी हम इस मामले में हमसे आगे ही रहे। जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, इसने 1956 में इसे खत्म कर दिया। और जो बांग्लादेश आप देखते हैं, नया देश बना था 1971 में, अपनी आजादी के 1 साल बाद वो भी इसे खत्म कर देता है। तो ये हाल है। खैर, अच्छी जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। और मुझे लगता है कि देखिए आप लोग की अगर किसी की नहीं बन रही है, किसी के रिश्ते में खटास है, तो वो अदालत की मदद ले सकता है ना, अदालत के जरिए अलग हो सकता है ना, उसके पास अधिकार है कि वो अलग हो सकता है। लेकिन एक अलग होने की नियम कानून होते हैं, उस हिसाब से आप लोग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई इसके पक्ष में हो, कोई इसके विपक्ष में हो, तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग बात करते रहिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ठीक है, अगर किसी सामाजिक बुराई से अगर हमें अंत होता है, हमें आजादी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी जानते हैं कि पहले आप देखते थे कि लड़कियों की शादी 14-15 साल में कर दी जाती थी, 12-13 साल में कर दी जाती थी। अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक एक तरह से आपकी छूट मिली हुई है, मुक्ति मिली हुई है उससे। तो मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि अगर इस तरह की बुराई किसी भी धर्म में है, तो वो धर्म ही अपनी तरफ से इस बुराई को अपने धर्म से हटा दे तो काफी अच्छा भी रहेगा। और मैं कहता हूं, देखिए आप लोग, कि ये पुराने जमाने की बात है, इस तरह की जो भी मान्यताएं होती थी, अब आप लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं। आप देखिए कि पुरुषों से आगे महिलाएं निकल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई भेदभाव रखा जाना चाहिए। अब दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए, घर से लेकर आप देखिए कि युद्ध तक सभी तो संभाल रही हैं महिलाएं, कहाँ महिलाएं पीछे हैं, तो उन्हें पीछे रखा क्यों जाना चाहिए। चलिए, खैर देखते रहिए आप लोग, इस तरह के टॉपिक रहते हैं,
तो आप लोग महिलाओं के से संबंधित आप देखते हैं निबंध आते हैं, तो उसमें आप लोग इन पॉइंटों को भी डाल सकते हैं, तो आप लोग जरूर कवर कर लिया करिएगा। और इस तरह की टॉपिक आप लोग जब देखते हैं, जब पढ़ते हैं और जब आंसर लिखते हैं, तो बड़े न्यूट्रल होकर, अपने आप को संतुलित रखकर आंसर लिखा करिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे अगर आप लोग इसके पक्ष में होंगे तो आप इसके पक्ष में ही लिखे जाएंगे, और इसके विपक्ष में होंगे तो आप लोगों को सब बुराई बुराई लग रही होगी। तो अगर आप लोग न्यूट्रल होकर सोचते हैं तो आप निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और बेहतर पहुंच पाते हैं। जब किसी के प्रति आप लोग भेदभाव करने लगते हैं तो उसका निष्कर्ष निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग वर्तमान सरकार की देख लीजिए, जो इसके पक्ष में है उन्हें इसकी बुराई ही नहीं दिखती है, और जो इसके विपक्ष में है मोदी सरकार के, उन्हें कोई अच्छाई ही नहीं दिखती है। लेकिन आप लोगों को बीच का रास्ता चुनना है, इसकी इस सरकार की अच्छाइयां भी देखनी है और बुराइयां भी देखनी है, समझ रहे हैं? तो अपने आप को एक जगह रख के देखा करिएगा जहां से दोनों बराबर पड़ रहे, एक तरह से तराजू देखते हैं ना, वही हाल होना चाहिए। बीच में आप देखते हैं एक कांटा टाइप का लगा रहता है, वहीं आप खड़े होके इस तरह के मुद्दे को देखा करिएगा। इसी तरह का आप देखते हैं कि आरक्षण की बात होती है, अब आप देखेंगे आरक्षण के जो विरोधी हैं वो पूरी तरह से इसे नकार देते हैं, जो आरक्षण के पक्षधर हैं वो पूरी तरह से इसके पक्ष में रहते हैं, इसमें उन्हें कोई बुराई ही नहीं दिखती है, और जो विरोधी हैं आपके आरक्षण के उन्हें कोई इसमें अच्छाई ही नहीं दिखती है। तो आपको बता दूं, जब भी आप देखते हैं कि आरक्षण पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोगों को बीच का रास्ता चुनना चाहिए, इसके अच्छाई यानी कि पॉजिटिव पॉइंट आपको बताना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहिए, लास्ट में अपना निष्कर्ष बता देना चाहिए, अपनी राय दे देनी चाहिए। आपने देखा है कि सरकार को भी ये अच्छा लगा, इसलिए आपने देखा है कि जनरल के लिए 10% आरक्षण की बात की हुई है। और मेरा देखिए ऐसा मानना भी है कि अगर कोई गरीब है जिसकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आता हो, वो चाहे ST SC का हो, OBC का हो, या फिर आप देखिए वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, वो आरक्षण का हकदार होना चाहिए। क्योंकि कई जनरल आप लोग देखेंगे कैटेगरी में ऐसे लोग देखने को मिलेंगे आपको जिनके खाने के लिए घर में खाना नहीं है, और OBC में आप लोग ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे या ST SC में कई ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि OBC में तो क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है। क्रीमी लेयर का सीधा सा मतलब होता है कि अगर आप लोग क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए किसी स्टेट PCS का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर आप लोग ऐसा लगा देते हैं तो आपकी फीस बढ़ जाती है, और आप लोग नो लगाते हैं तो आपकी फीस कम रहती है, समझ में आया? और क्रीमी लेयर का सीधा सा आप लोग मतलब इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए दो टॉपिक आपके कवर होने जा रहे हैं आज, कि जैसे आप लोगों ने दूध आप लोग गर्म करते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि क्रीम आ जाती है, यानी कि उसमें मलाई आ जाती है, उसे हटा दीजिए। यही बात है कि जो OBC में मलाई खा चुके हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है, जो अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्हें हटा दीजिए इससे। तो यही हाल है। खैर, पढ़ते रहिए आप लोग और अच्छे से देखते रहिए इस तरह के टॉपिक को।